कपिला जी मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा अवसर है और बहुत ही अच्छा संयोग है कि आज आपसे इस रूप में बातचीत करने का मौका मिला है कि इतनी बड़ी जो दुनिया आपके कामकाज की रही है उसमें से हम लोग कुछ जाने और भावी पीढ़ियों के लिए भी उसमें बहुत कुछ हो तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं शुरू में ही एक बड़े फलक से शुरू करूँ क्योंकि आपका कामकाज बहुत बड़ा है ताकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आ जाएं तो सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं कि विविध कला रूपों में आपकी जो इतनी गहरी रुचि रही है उसके पीछे की पृष्ठभूमि और दृष्टि क्या रही है कब आपको लगा कि हमारी कला परम्पराओं के प्रसंग से लिखने सोचने बताने को बहुत कुछ है क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है और ढेरों किताबें हैं उनमें से हम लोग जानते हैं कि द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ़ द इंडियन आर्ट्स अगर एक ही किताब का नाम लूँ तो वही आपका इतना बड़ा काम काज है और उसमें नृत्य संगीत प्राय सभी कला रूपों की एक अद्भुत एक तरह की कहना चाहिए छानबीन है उसके विश्लेषण है हमारी परंपराओं में क्या रहा है विरासत में क्या रहा है उसको हम आज किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं आदि आदि तो इसके बारे में बताइए प्रयाग जी धन्यवाद मैं क्या बताऊं ये इतना ही कह सकती हूँ कि संभवतः ये कहीं संस्कार मिला और जैसे कि आप जानते हैं जी कि जो मेरा शिक्षा का या विद्या का या कॉलेज का या उसके बाद वो सब जो अध्ययन था वो अंग्रेजी का था पश्चिम का था और पश्चिम की कलाओं के साथ था और ये कुछ ऐसा संयोग हुआ कि परिवार के कारण ऐसे कि जहाँ एक स्तर पर उस जमाने में और स्वतंत्रता के पहले हमारा जो फॉर्मल्स एजुकेशनल था वो सब पश्चिम काल चाहे लोरेटो का हो चाहे तो कल कोलकाता में पढ़े ना कलकत्ते में हाँ। और उसके बाद एकदम इंद्रपद स्कूल जो कि थियोसफी वालों का था हाँ। और फिर हिंदू कॉलेज तो वो जीवन ये कहना चाहिए कि बहुत उससे शिक्षा पाए कभी उसको नकारा नहीं लेकिन उसी समय भी कलकत्ता में या फिर उससे पहले कश्मीर में भी और कलकत्ता से लेकर कश्मीर में और श्रीनगर में नाना जो की तो आप वहाँ जब कलकत्ता में थे लोरेटो में क्या उन्हीं दिनों आप लोग कश्मीर आते जाते रहते पहले की बात कर रहे हैं।, हैं हम लोग पहले दिल्ली से और हर साल आते जाते थे तो शिक्षा जो मिली वो एक तो वहाँ कलकत्ते और शांति निकेतन के साथ जो संपर्क था उस जमाने में ओरिएंटल डांस कहा जाता था जी। वो भी सीखा लेकिन वो सब स्कूल और कॉलेज से अलग सीखा और वो एक ये कहना चाहिए कि वो सीक्रेट लाइफ थी क्योंकि उसके प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं था और वो साथ साथ चलता रहा उसके बाद अमेरिका में मॉडर्न डांस के साथ बहुत संपर्क रहा हानिया होम के साथ रहा मार्था गैम और लाबार नोटिस तो बात, बात, बात मैं ये इसलिए जो आपने सवाल पूछा जी, जी, उसका मैं जी, कि जी, कैसे हुआ जी, लेकिन उस समय एक और बीज पड़ा वो प्रयोग का था ही अच्छे महाराज के साथ था बहुत वर्षों से वो जो बीज पड़ा उसके लिए वो पड़ा या ये कि भारतवर्ष को हमारी पीढ़ी किस तरह से समझे और मैं प्रयोग से शास्त्र में गई और ये नहीं कि मुझे कोई पी लेना था या कि मुझे लेखन करना था और पी तो इसलिए किया क्योंकि वासुदेव शरण मेरे गुरु जिनसे कि मैंने इतना कुछ पाया दृष्टि पाई सब कुछ उन्होंने कहा कि ये सब ये अलग अलग से लिखने वगैरह से नहीं होता आप जाके विशारद का पहले परीक्षा करिए और फिर बिल्कुल विधिवत इसका अध्ययन करिए शोध करिए वहां से जी। एक दृष्टि मिली और फिर बाकी का काम करते रहे सरकार में भी तो ये जो प्रयोग का पक्ष था और लिखने का पक्ष वो अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो दिस इज माय सीक्रेट लाइफ जी। क्योंकि किसी ने मुझे बाहर का कोई आग्रह नहीं था कि जी आप या प्रदर्शन करेंगी या कि पुस्तक कार्यक्रम कर देंगी छप जाएगी या कुछ बस जब जब जो जो दिखता गया तो ये नृत्य की ओर जो झुकाव था इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे कोई कारण नहीं रहे थे मैं तो स्विमिंग ज्यादा जानती थी जी। और कलकत्ते की कॉलेज स्क्वेयर में बहुत मैंने वो भी किया है और यहाँ भी लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में तो ये सब नाच गाने वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी जी तो उसका श्रेय मेरी अधिकतर माँ को और पिता को भी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो कुछ नहीं है तो इसलिए और माँ का ये था कि ये बच्चे लोग आए हैं इनका क्या करेंगे यहाँ पर हाँ। दिल्ली शहर में और नई दिल्ली में हम लोग पांच खाली परिवार थे देवदास गांधी का परिवार था हम लोग पांच खाली भारतीय परिवार थे और कुठारी वो जो आर्किटेक्टर तो माँ ने कहा कि एक बच्चों के लिए स्कूल खोल लेते हैं जिसमें कि नृत्य भी हो और संगीत भी हो और पेंटिंग भी हो और शांति निकेतन से एक शांति दगा को बुलाया गया तो सत्यवती जी स्वयं तो लेखिका थी हाँ? पर रुचि उनकी भी इन सब सब चीजों में थी शुरू से रुचिजी जी बड़ी अच्छी पेंटर थी जी, जी, और गाने में भी था और संस्कृत पर भी था तो आज की दुनिया में कोई नहीं मेरी बात मानेगा सोचेगा कि मैं गप कर रही हूँ तो पिताजी ने कहा कि देखो तुम दिल्ली शहर में और नाच गाने की बात कर रही हो बिरादरी तो निकाल देगी और तभी भाई जी आए थे पूना से जी, जी। और उनके जो बड़े भाई थे उनका पिताजी के साथ भी था और मेरे नाना के साथ भी था उन्होंने भी ये कहा कर कि की ये विनय चंद्र तो वहाँ से सीख के आया पुलुष्कर और ब्यास जी के पास तो मैं इसका क्या करूं तब फिर माँ ने कहा कि नहीं एक संगीत का स्कूल खोल लेते हैं तो वो काटेज इंडस्ट्रीज के पीछे जो बैरक्स थे बाहर वो रहते थे तो तब बड़े बुद्धदेव ने कहा लेकिन बच्चे कहाँ से आएंगे तो माँ ने कहा कि ये पहला शिष्य लो यानी जिसको कि आज आप डॉक्टर सुभाष चंद्र मलिक जानते <laughs> कॉलेज ये सुभाष एक लो और एक कपिला लो तो स्कूलों का जो था वो वहाँ पर और शुरू में वही ओरिएंटल एक रबी होते थे, थे उसके बाद दिल्ली में ये कहना चाहिए क्योंकि मेरे स्कूल में एक अध्यापिका थी वो कौन थी जिसका कि नाम आप वो निर्मला जोशी थी आ, तो निर्मला जी डॉक्टर जोशी की तो वही स्कूल में ही वो एक दिन और हम बड़े ड्रामे किया करते थे न जाने कहाँ से ये सब की प्रेरणा मिली उसका विश्लेषण मैं एक मिनट में करूंगी तो उनका तो रामपुर से बहुत और वो मुश्ताक अली खान की शिष्या भी थी उनका अच्छा महाराज से भी था तो उस समय जो ये राजा और राजवाड़े थे उनके लिए भी ज़रा मुश्किल थी तो तब ये इन सब का एक संगम सब बना यानी दिल्ली में एक तरफ शांति निकेतन का प्रभाव हुआ दूसरी तरफ अच्छा महाराज और अमजद अली भाई के पिताश्री हाफिज अली तो, तो स्वतंत्रता से पहले की सब स्वतंत्रता से पहले की बात है तब तो आप लोग इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता से पहले ही है? एक भारतीय दृष्टि कह लीजिए या वो पुरानी जो हमारी है? परंपराएं रही हैं उनको कैसे जीवित रखा जाए इसकी ओर मुड़ चुके थे आपके परिवार के लोग और बाकी लोग बिल्कुल जी उसमें कोई और मैंने प्रयाग जी अब आप बात कर ही रहे हैं मैं इसकी बात नहीं करती हूँ लेकिन मुझे दो थैलियाँ दी गई थी सुनील की एक लाल थी एक हरी थी और लाल में वो स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के डांस आज जो संगीत भारती कहलाता और हरी में महाविद्यालय के तो कनॉट प्रेस की जितनी दुकानें हैं उससे एक एक रुपया इकट्ठा किया जाता था और वहाँ ना तो कोई सरकार थी ना कोई शिक्षा मंत्रालय था ना और जो थोड़ा बहुत और इसमें मेरे पिता का बहुत वो कि बहुत ही परोक्ष में रह के और उनका ये आग्रह था कि किसी से बड़ा डोनेशन नहीं लेना जी। और खैर उन्होंने और बहुत कुछ किया लेकिन उनका ये? भी नाम हम आपके मुंह से सुन लें हाँ आपके पिता का नाम रामलाल मलिक वैसे ये? तो मलिक रामलाल आनंद था उनका ये? पूरा नाम और और उन्होंने लॉयर थे लेकिन लाला लाजपत राय के कारण उन्होंने वकील छोड़ी बिजनेस किया जो कि बात आपसे उससे ढो रही थी ये? लेकिन जितने भी क्रांतिकारी या जो भी उन सबको उन्होंने आश्रय दिया और कभी मुँह से उन्होंने बात नहीं निकाली कि वो कभी भी कुछ करते हैं या नहीं तो मैं तो कहती हूँ कि परिवार का जो एक संस्कार होता है मेरे नाना जो गए थे पंजाब से ही लेकिन अपने इंजीनियर बने सारी ब्रिजेस को मरी से लेकर और श्रीनगर तक बनाई आर्य समाज का काम किया बहुत उसके बाद संन्यास के लिए तो इसका मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ और जितना आपसे पहले भी कुछ बातें होती रही हैं या आपके बारे में हम लोग जानते ही हैं कि ये पृष्ठभूमि उस तरह की रही कि क्रांतिकारी भी हैं और कलाओं में प्रयोग करने वाले लोग भी हैं उनको संभालने वाले लोग भी हैं उनकी तरफ देखने वाले लोग भी हैं वैसे वातावरण में आप बड़ी हुई और वो जैसे आपने शांति की चर्चा की ही कलकत्ता की चर्चा हुई तो अब थोड़ा सा ये भी बताइए कि सचंद महाराज की या जो फिर आप हमारे मीनाक्षी सुंदरम पिल्ल जी और आपके बाकी गुरु इनकी ओर फिर कैसे आप पहुँचे उसकी जो रेखा है जो मैंने जो में कही कि एक तरफ तो स्कूल में तो जो था सब इंदर में स्कूल लेकिन हिंदू कॉलेज में तो बिल्कुल अंग्रेजी का अध्ययन हो रहा था पश्चिम दर्शन का और जिसमें ऐसे ऐसे डॉक्टर इंद्र सेन जैसे और डॉक्टर सक्सेना जैसे गुरु थे और डॉक्टर दत्त और सर मॉरिस लेकिन सुबह शाम फिर वो सीक्रेट लाइफ जो थी एक बार वो अच्छे महाराज वो स्कूल में आए थे तो हमने बड़ा भारी जी एक नृत्य नाटिका की उसकी प्रेरणा कहाँ से आई आज तो हंस के उसकी एक अर्धनारीश्वर वो किससे वो नंद बोस की कभी तस्वीर देखी होगी उससे नाइन्थ क्लास है और फिर कहीं कुछ गुमार संभव तो मुझे क्या पता और शायद बेताला और बिल्कुल किसी काम का नहीं और जैसे भी था उस ऑडियंस में कौन बैठा हुआ था और उसका श्रेय बिल्कुल निर्मला जी जी को जाता है क्योंकि कौन अछन मारा मुझे क्या पता मुझे उन्होंने कहा कि कपिला तुम इनके पाँव छुओ हमारे संस्कार में कहा गया था कि देवी किसी की पाँव नहीं छूती अच्छा लेकिन निर्मला जी जी से इतना प्यार था और सब कुछ पहुंचू दिए वो एक बहुत स्थूल काया वहाँ पर बैठी हुई थी उनका ये अच्छा महाराज है तो नाम सुना था इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो बहुत प्यार से उन्होंने आशीर्वाद दिया बिटिया बहुत सुंदर नाचती हो लेकिन तालीम की जरूरत है ये बात लग गई ऐसी चुपी कि बरसों तक निकली और उससे फिर महाराज क्योंकि आए थे उनके साथ रियाज शुरू हुआ और हम लोग खाली चार लड़कियां थीं और किसी को नहीं ये बताया जाता था कि हम उन लड़कियों में से और तो जो डॉक्टर सेन की दो बेटियाँ थीं लेकिन जिसका कि नाम आज संसार भर में आप जानते हैं और जिन्होंने शरण रानी जी जी तो शरण रानी जी ने और उसके बाद वो सरोद में चली गई और मैयर गई आदि आदि लेकिन पाँच हम लड़कियाँ थी और कुछ सवाल नहीं था कि उसका कोई प्रदर्शन हो साल में एक बार कुछ इनवाइटेड लेकिन जो तालीम पाई वो अच्छे महाराज से पाए क्या गुरु आपको मिले उस समय एक युवा दिन अच्छे महाराज से जो मैंने पाया और आज के ज़माने में ये कहूँ कि तीन साल तक केवल तत्काल और दो टुकड़े और धातु का थूंगा अभी तक अगर मूर्छित भी हो जाऊँगी तो ना वो ताल जाएगा ना वो टुकड़े ना वो आमदे और कहाँ से उठान कर रहा है आज तेरहवीं से आज दसवीं से आज खाली से आज सम पर आना है तो मैंने एक दिन महाराज से पूछा मैंने कहा कि मुझे जो आप सिखा रहे हैं ये सब तब जमाने में वो भी जी आज इनको तो तो महाराज का जो कि मैंने आज इसको क्योंकि मुखरित किया है और वो बिरजू भैया के आगे से मुखरित किया उनकी जब सेवेंटिये हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें आपको टोक रहा हूँ लेकिन ये चीज़ भी याद आती है बिरजू महाराज ही कहते हा? हैं कि हा? उनको फिर बाद में दिल्ली जाने का आप बनी अब मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ तो वो ही और बिरजू बैठते थे हमारी क्लास में उनकी ढोलक ढोलकी थी छोटी सी और बजाते थे खैर वो उनके खून में था मेरे दिमाग में मेरे पांव में था उनके तो खून में रग रग में तो महाराज ने एक वाक्य कहा कहा कि देखो तुम चिड़चिड़िंग क्या करो मैं जो तुम्हें सिखाता रहा हूँ वो तुम्हारी चिता के साथ जाएगा और जो इनको सिखा रहा हूँ वो जमुना के पानी में जाएगा उसी एक वाक्य को लेके मैंने साधा और क्योंकि आपने बिरजू भैया की बात की तो वो जो या तुम मेरे बेटे के खून में वापस दोगी और तब महाराज यहाँ से गए और उनके अकस्मात तो मैंने बहुत कहा कि आज जून के महीने में आप लखनऊ नहीं जाइए तब तक तो इतना बिल्कुल मैं उनकी बेटी थी उनसे मार भी खाई बेताला आने पर और रूठ भी गई हुआ कि ये तो लड़की है मुझे तो आप लकड़ी दो तो मैं उसको नचा दूँ तो ये तो कैसी सुंदर सी ये निकल रही है लोगों के लिए सब तो वो और उन्होंने भी दो दिन उपवास रखा मैंने भी उपवास रखा हम नहीं जाएंगे उनके पास चले जाए आएगी कैसे नहीं आए उन्होंने आग्रह से इसरार करके ले गए उसके बाद वो गए तो एकदम उनको सनस्ट्रोक हो गया मैंने बहुत कहा महाराज तब तक तो वो मेरे पिता तुल्य थे कि महाराज आप तब और परिवार भी लखनऊ चला गया और बहू जी भी मतलब तब मेरे मन में ये जो वाक्य था ना खुरच खुरच कर तंग कर रहा था और बिरजू भैया वहाँ थे उनके चचा थे बड़े उनके विषय में आप जानते हैं उनसे कुछ लड़ाई भी करनी पड़ी लेकिन वो मान भी नहीं रहे थे लेकिन उसका श्रेय बिरजू की माँ को जाता है क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मेरा बड़ा लड़के हो, बिरजू तो मेरा छोटा लड़का है और जो महाराज ने कहा है उसको तुम पूरा करो और इसको तुम यहाँ से निकाल दो क्योंकि यहाँ तो ये यह जो सीखेगा सो सीखेगा लेकिन वैसे जीवन में बर्बादी हो जाएगी तो तब फिर मैं बिरजू को थर्ड क्लास में और उनकी माँ को यहाँ लाए और शायद नौ बरस की उनकी आयु तब होगी या दस की उनको मास्टर जी का स्थान दिया लेकिन वो तो ऐसा जीनियस है उसके तो रग रग में था वो तो है आ, रग रग लेकिन उसके साथ मैंने रोज़ सुबह रियाज किया जो कुछ मुझे जितना भी एक बूंद आता था या लेकिन वो तो उसके तो पैदाइशी भी जी, कहना जी। चाहिए और पीढ़ियों तक पीढ़ियों तक उसके अंदर तो मुखरित होता रहा और मैंने कभी इसके बारे में मुनी खोला लेकिन पिछले हफ्ते ही दो हफ्ते पहले बिरजू भैया ने कहा कि जी जी आप तो बता दो ना सबको कैसे खींच के तुम लाई थी तो ये ये चीज़ दिखाई पड़ रही जिसकी आपने याद भी की कि कैसे आप उस समय की जो अंग्रेजी शिक्षा थी इसको बड़े स्कूल में न? वैसा ही होता था लोरेटो हो तो, कि तो जानते ही हैं लोग उस परिवेश से भी आप आई थी न? एक और भी घर न? के संस्कार थे दूसरी ओर वो, वो स्कूली शिक्षा न? जो आपको मिली थी भी सहज नहीं रहा होगा मैं सोच कर देखता हूँ हम जहाँ हम लोग सोच कर देखें कि वहाँ लोरेटे स्कूल में पढ़ी हुई एक लड़की और वो आकर के अच्छल महाराज के उसमें और फिर उसमें इतना डूब जाती है कि वो उसमें से जरूर समय क्या निकल रहा था आपको क्या लग रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है प्रयाग जी सब चल रहा था साथ शेक्सपियर भी चल रहा था एलियट भी चल रहा था जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वावनी भी चल रही थी लड़कों के कॉलेज में जहाँ तेरह लड़कियाँ थीं और एक हजार लड़के थे वो भी चल रहा था तो बहुत सी जिंदगी एक साथ चल रही थी बड़े मज़े की बात हो रही थी ये तो हम लोगों के लिए मैं तो बराबर कपिला जी आपके बारे में जब भी सोचता हूँ तो एक चमत्कार की तरह लगता है जो अभी सुबह भी, भी आपसे कह रहा हूँ कि कभी कभी लगता है कि स्मृति में ऐसे हजारों दराजे हैं ड्रॉर्स हैं और जब जिसको आप चाहते हो खोल लेते हो उसको सक्रिय कर देते हो ये भी थोड़ा सा अगर कुछ आपको लगता हो कि इस बारे में भी आप कुछ कह सकते हैं तो जरूर बताइए कि ये एक सहज आपको जो प्रतिभा आपकी है उससे हुआ या किसके लिए कुछ प्रयत्न भी आपने किया ये क्या हुआ है प्रयाग जी मेरे लिए इसका उत्तर देना बहुत कठिन है <laughs> क्योंकि इसमें कोई ये सोच सोच के नहीं किया गया था और जो आपने मैं... कहा कि सहज सुबह उठो तो रियाज करो उसके बाद साइकिल लेके और पहाड़ी धीरे में चले जाओ और कॉलेज चले जाओ और वहाँ पर वो सब करो फिर वापस आके फिर गाना और वो और पेंटिंग करते रहो और फिर बाकी का तो जो था कि जी गर्मियों में हर तरह के पहाड़ चलते रहो और घुड़सवार होते रहो तो कभी ये सोचा नहीं था कि ये परस्पर विरोध की चीज़ें हैं और टॉल भी पढ़ो और अन्ना कैरेना भी पढ़ो समझ में आए या नहीं आया मैंने आपको बताया उस दिन कि मारवाड़ी लाइब्रेरी से और केशव जी और मैम केशव जी के बारे में आप लोग जानते हैं एक दूसरे के साथ पेरिस का कुबड़ा खेला कर <laughs> वो भी हो रहा है और शरद चंद्र की कहानियाँ भी पढ़ी जा रही हैं और कमल का कैरेक्टर आपके लिए एक प्रतीक बन जाता है और श्रीकांत की तो बात ही छोड़ तो इसलिए उस सब का श्रेय अगर है तो परिवार को है मैंने कुछ नहीं किया लेकिन ये कि इस तरह की बिल्कुल आज़ाद और खुली शिक्षा और हर तरह की विधा हर तरह के उसमें जाने का एक अवसर और उसमें कभी ये नहीं हुआ कि इसमें परस्पर विरोध है और ये ये कभी मन में बात आई नहीं काश आप आज की पीढ़ियां ये समझ सकें क्योंकि वाकई देखिए कितनी सुंदर बात है कि एक साथ इतनी चीज़ें चल रही हैं उसका आप आनंद भी ले रहे हो उसका अध्ययन भी कर रहे हो और वो बाद में तो बहुत काम भी आई आपके बिल्कुल को वो दिखता है कि कैसे आप रिलेट कर पाते हो मैंने एक बार कोटा पेंटिंग पर आपका बोलते हुए सुना नेशनल म्यूजियम में तो लगा कि जो बात मैं कह रहा था कि एक अलग दराज है आपके हमने कोटा पेंटिंग वाली दराज खुल गई और आप उसे बोलते रहे पर बहुत सारी चीज़ों से रिलेट भी करते रहे तो ये अगर आज की पीढ़ियाँ समझ लें तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात होगी क्योंकि तो अब ये हो गया है ना कि इसे कोई इसी मेक्सपर्टीज़ हमारी है और तो वो जो एक बड़ा संसार है उससे हम वंचित रह जाते हैं वो तो अद्भुत है कि आपका ऐसा चित्त बना उसको चित्त ही कहेंगे ये तो आपका और है और मैंने तो कुछ नहीं किया जो जो जब जब जो जिस चीज़ के प्रति एक लगाव हो गया या कि और वो शोध आपको खींचता है आप नहीं क्योंकि मुझे कोई बाहर का आग्रह नहीं था कि इससे मुझे डिग्री चाहिए इससे मुझे नौकरी चाहिए नहीं। इससे मुझे वो सब कर रहे थे उससे मुझे कोई प्रमोशन चाहिए उससे प्रकाशन होगा तो मुझे कोई बिल्कुल नहीं तो वो शांता सुखा है वो उससे मिलने वाला आनंद जो था वो कर रहे थे चलिए वो तो हम सबके बहुत काम आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें अक्षर महाराज की आपने बात की और एक दो बातें आप और अक्सर कहते हो कहते रहे हो कि दो प्रदेश आपको बहुत खींचते रहे हैं मणिपुर और केरल और केरल को लेकर ही बहुत सारा काम काज आपका है ही है तो दक्षिण की बात तो हमारे मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले जी भगवतार जी इन लोगों से फिर कैसे संपर्क हुआ और मणिपुर के गुरुओं से ऐसे था कि उसके लिए हमें थोड़ा सा उस इतिहास की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा कि उदय शंकर का वो था केंद्र अल्मोड़े में जी जी। और उसका जो हुआ विश्वृंखिल वो हो गया तो तब वहाँ के जो लोग थे वो दिल्ली आए जैसे कि पहले प्रिंसली स्टेट से लोग आए तो अब प्रभात गांगुली यहाँ आए तो उसी क्योंकि एक संस्था थी उसके लिए जो भी था निर्मला जी थी लेकिन अधिकतर मैं तो पन्द्रह साल की उम्र में प्रिंसिपल बन गई थी स्कूल की तो जो जो वहां से आता गया उसको और उसमें फिर मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा आर्थिक वो था तो पहले देवेंद्र शंकर जी आए उदय शंकर के भाई उन्होंने भी वहीं पर एक जिसका की कल्पना में कभी आप वो देखेंगे उनका नाम था महावीर सिंह कल्पना फिल्म और कल्पना फिल्म में जी। उसका जी। है। क्या वो नर्तक था ऐसा मैंने नहीं जिंदगी में देखा उसको जो देख के तो ऐसा दृश्य ये भी एक और फिर आप कह रहे हैं विधा एक तरफ उदय शंकर का भी कर रहे हैं अच्छे महाराज के बैले जिसमे कि सुमित्रा नंदन पंथ ने कविता लिखी कुमार संभव में और में और ये मॉडर्न लेकिन उस मणिपुरी को देख के और फिर उसके साथ जो थोड़ा उनका बहुत ही दुखद देहांत हुआ <स्था> रैबिज से और मॉडर्न स्कूल में और उन्होंने एक बच्चों के साथ बैले किया था आधा मेरा के, के। क्या था वो बैले उसको मैंने रिगल सिनेमा में उसका प्रदर्शन उनका जब देहांत हुआ तो तब उनके गुरु थे गुरु आमोबी जी और मेरे मन में यह आया एक तो मणिपुर देखा भी नहीं था कि मैं मणिपुर में जाके और गुरु के प्रति एक श्रद्धा मैं जब वहाँ गई और तब घर मणिपुर के साथ उनका रास क्या और तब एकदम गुरु जी के साथ ऐसा कुछ संबंध बना जैसे कि शायद जाने कब से हम जानते हैं और उन्होंने कहा कि मांगो माँ बीर काज शेष कर वो तो तब मैं गुरु जी को यहाँ ले आई और तब कत्थक की तब तक अक्षर महाराज का तो स्वर्गवास हो चुका था और बिरजू थे यहाँ पर लेकिन तब फिर मणिपुरी की साधना और जो उन्होंने सिखाया वो एक दूसरा ही संसार था जो सूक्ष्मता से उन्होंने कहा कि क्योंकि माँ भी उनके साथ मैं फिर राधा कुंड गई उनके साथ वृंदावन गई और उसमें ऐसी रमी जितने वैष्णव और उसका कुछ संबंध गीत गोविंद से बाद शोध में है और राधा कुंड में मैं कली जी को बता रही थी मुझे याद भी नहीं रहा था कि ये सब चुरबे ना बाबा तुम्हें अगर सुगे चलो राधा कुंडे वो खाने कर कुरे तो खून युगले तो ये जो स्तर है ना नृत्य का जिसमें भावना और उसके टेक्निक वगैरह और फिर मणिपुर का और खैर वो सब बहुत लंबी कहानी है हर बार जाती थी था में भी और गोविंद जी के मंदिर के सामने भी नृत्य किया फिर तब तक निर्मला जी फिर संगीत नाटक अकैडमी में आ गई थी उन्होंने ये कहा कि हम लोग वो जवाहरलाल नेहरू वो करने जा रहे हैं तो मुझे मालूम है कि तुम गुरु जी को नहीं छोड़ोगे लेकिन यही एक है तो तब फिर गुरु जी जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी में मणिपुर में वापस चले गए लेकिन मणिपुरी के साथ जो मेरा संबंध रहा और मैं फिर गुरुजी के पास जाके और मणिपुर में रहती रही और इसीलिए मणिपुर पर और तब उसका जो नागा लेकिन उससे एक मुझे एक द्वार जिसको कि आज हम नॉर्थ ईस्ट और ये सब कहते हैं उसको समझने का क्योंकि मैं नागास के साथ रही तारखिल्स के साथ रही और उसका इसलिए संबंध है क्योंकि ये सब अनुभव फिर ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन फोक डांस में जाके मुखलित होते हैं तो मणिपुर के साथ एक ऐसा रागात्मक संबंध मेरा रहा है अभी तक है तो तब बाबू सिंह आए लिटिल बैले ट्रुप में और उन्होंने उनकी बहुत सी नृत्य नाटिका थी उसका निर्देशन भी किया ये तो है मणिपुर वाला फिर आपका दूसरा प्रश्न था केरल का केरल की कहानी दूसरी है मैंने आपसे ये कहा कि वहाँ मिशिगन में बैठे हुए और न्यूयॉर्क और वो सब और एरिस्टाटल से लेकर और एडमिन विल्सन और कॉलिंगवुड और बेवरे स्कूल वो सब तो ठीक उसके साथ नृत्य का और माना वान, लाभान जो कि mm -hmm. नोटेशन के जो mm -hmm. बड़े भारी एक दिन समझ में आया कि देखिए जी आप ये सब तो जानती हैं और ये ठीक है कि आपका संस्कार है लेकिन आपको तो भारतवर्ष के बारे में तो बहुत कम ज्ञान है और ये ठीक है कि वो उपनिषद वाली जो धारा थी उससे क्योंकि परिवार का था और संध्या और उपनिषदों का पाठ और वो सब तो था लेकिन ये जो कि जिसको कि आज हम भारतीय स्थापत्य कहते हैं और उस सब से कहीं उसका संस्कार का बीज और मैं तो कितने लोगों को प्रणाम करूं जितने लोगों के नहीं छूती हूं लेकिन छू उसका बीज वासुदेव शरण अग्रवाल क्योंकि वो वहीं रहते थे जहाँ साहित्य अकेडमी का भवन है नीचे उनसे परिचय की शुरुआत कैसे हुई थी माँ के कारण बनारसी दास चतुर्वेदी के कारण और हिंदी जगत के कारण तो और सत्यवती जी के तो सभी लोग आते हैं सभी लोग लो सब घर उन्हीं का था तो जब मैं अमरीका जा रही थी तो वासुदेव जी ने कहा कि ये दो तीन चित्र हैं इनको तुम अपने अलमारी के ऊपर और ड्रेसर पर रख देना और उसमें एक सारनाथ बुद्ध की मूर्ति थी एक वो पार्वती थी और एक खजुराव वाली पत्र लेखन वाला जी था जी। दो तीन और तब उन्होंने कहा कि तुम वो कुमार स्वामी की किताब वहाँ पर मिल जाएगी वो पढ़ लेना नहीं। उससे नहीं। पहले डांस ऑफ शिवा या कोई दूसरी हाँ डांस ऑफ शिवा तभी छपी थी डोवर प्रेस से लेकिन उससे पहले जब मैं जा रही थी लंदन तो उन्होंने कहा कि कपिला मैंने एक वो एग्ज़िबिशन किया है और यहाँ पर मदद भी कर रही थी नेशनल आर्काइव्स में और वो सब माँ के कारण उन्होंने कहा बच्ची को भेज दो ना यहाँ पर मेरे साथ बैठ के और तभी मैंने पहले ये शब्द सुना पंचमार कॉन्स ईश्वर जानक पंचमार कॉन्स होते हैं और तब उन्होंने कोदन राम और गुप्त तो जब लंदन गई और जब ये एग्ज़िबिशन इंडियन आर्ट वाली देखी तो तब वो बीज अंदर पड़ा रहा और खुदेरता रहा तो मैंने मैं यहाँ क्या कर रही हूँ अब बिना किसी बताए हुए तब फिर एक और मेरी सहेली थी जो कि कैम्ब्रिज में पड़ी हुई थी एफ आर की वो वो दक्षिण की रहने वाली थीं और एक और मित्र थे जो कि फ्रॉयड की बहन के तो हम तीनों ने फिर एक पद यात्रा ली दक्षिण की और कोटरालम से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर पालघाट तक और चलते जाते थे उस जमाने में ना तो पुल थे ना कुछ उसी सब में दक्षिण के मंदिर और मैं जीवन एक नाना जीवन ने, ने कहा माँ से मैंने कहा मैं तो दक्षिण जा रही हूँ क्या करने जा रही हूँ मैंने कहा मंदिर देखा मंदिर देख क्योंकि वो तो प्रोग्रेसिव और समाज मंदिर देख ये सब ये तो मनकर नहीं भारतीय सभ्यता तो दक्षिण में है और वो जो दो या तीन मैंने पद यात्रा है, की हैं कोट्रलम से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर और केरल के एक एक काऊ में या कुछ उससे तो संसार दूसरा ही सामने आ गया और उस वो भी लत लग गई लोगों को तो पीने की लत लगती है हमें <laughs> ये लत लग गई तो बार बार और ये समझ में आया कि केरल की सभ्यता संस्कृति में जितने स्तर और सेतु हैं वो मैंने थोड़ा सा जो आठ ऑफ केरला क्षेत्र में लिखा है जो हमारी दृष्टि है जिसको कि हम कभी क्लासिकल और कभी उच्च और कभी नीचे कभी देशी, कभी, देशी मार्गी का वो सब सफाई होगी तब चिरती में बैठी वहाँ पर लड़कियों को तो अंदर जाने ही नहीं देते थे फिर दस दिन वहाँ बैठी रही रोज रंबूद्री के पास जाती थी कि मैं देख तो सकती हूँ मैं एक्सरसाइज देखना चाहती थी ये कलडी देखना चाह कोई परमिशन नहीं फिर वल्लोल के साथ एक संपर्क हो गया इंट्रोडक्शन लेकिन तब एक बार द्वार खुले और वही रवन कुट्टी जिनका अभी ध्यान हुआ वो और पद्मनाभन और रामनी मनन तो कथकली कभी भी सीख तो नहीं पाए लेकिन उससे कथकली से फिर कुड़िया में फिर और फिर उसमें एक और बहुत वर्षों के बाद एक और व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनके साथ में बहुत केरल में घूमी वो जी शंकर पिले ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा उनके बारे में बहुत सुना पड़ा ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा तो केरल का तमिलनाडु का दूसरी तरह से क्योंकि वो फिर दक्षिण का वो हुआ तो तब मीनाक्षी सुंदरम पंदलूर तो यहाँ से हम चोरी छिपे दक्षिण चले जाते थे और ये पढ़ाने के बड़े वो होते हैं कि छुट्टियाँ मिलती रहती हैं जाने के साथ हम तब तो आप ट्रे, कैसे ट्रेन से जाते हो गया? बिल्कुल जी ट्रेन से ग्रैंड ट्रंक अच्छा। थर्ड क्लास आगे आगे तब तो हवाई यात्राएं भी हवाई हवाई का तो सवाल ही नहीं था सुविधाएं भी भी इतनी नहीं थी तब तो बिल्कुल नहीं सवाल ही नहीं था और उधर फिर अपर इंडिया लेके बनारस गुरुजी के चरणों में तो बड़ा तो मजा रहा है। तो देखा कमाल है कि इतना दिखे अब अब लगता है कि इसे अपने समय की सारी बड़ी विभूतियों को आप मिले कभी न कभी तो यही दिखाई पड़ रहा है और हर क्षेत्र की तो ये फिर भरतनाट्यम और ओडिसी सबके बारे में फिर कैसे आपकी रच भरतनाट्यम का तो देखो ना वो देखिये पागलपन बिल्कुल पागलपन उन्नीस सौ पैंतालीस में और उसका विषय फिर निर्मला जी को हम तो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक डांस फेस्टिवल हुआ कहाँ पर हुआ वो फिरोशा कोटला में हुआ जहाँ की आजकल खाली क्रिकेट के खेला जाता है तो उसके लिए भी पैसा वैसा और कुछ दिल्ली के रईसों से पैसा भी जमा किया और जानते वानते कुछ नहीं थे बिल्कुल अज्ञान लेकिन पढ़ना कि वो जो थी तो वो किताबों में पढ़ा था और एलिस बोनर का एक लेख था कथकली पर जी। और वो उदय शंकर को तो कुछ देखा था लेकिन रामगोपाल का वो था तो जी बड़ा भारी हमने माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट तो वहाँ पर रामगोपाल आए थे उनकी एक जो पार्टनर थी जानकी जी नीना मैया भी थी हाँ। लेकिन उसको जब मैंने देखा डांस करते हुए मैंने कहा वाह हाँ। भाई शैली तो ये है हमने ठीक है महाराज ने एक ब्रजलीला और कुमार संभवम का हाँ। वो किया था निर्देशन हाँ। उसमें हमने पार्ट भी लिया और राम गोपाल के साथ मित्रता मैंने कहा ये तो सीखना चाहिए ये क्या चीज़ है तो इसलिए चले गए दक्षिण और कुछ दिन बाद रुक्मिणी देवी यहाँ आई थी लेकिन फिर ये समझ में आया कि जब भी पूछो तो ये कि जी मीनाक्षी सुंदरम ने सिखाया तो और फिर पदन पहुँच गए और उनसे कुछ सीखा था नहीं लेकिन एक तरफ कला क्षेत्र से रुक्मिनी देवी जी से जो कि मैंने लिखा भी है उनकी जो शिष्या है और एस वी ललिता को यहाँ तो मैं तो जो मुझे जहाँ से ऑर्किड मिलता था उसको मैं दिल्ली ले आती थी उसको फिर उसके बाद अब सोचती हूँ कि उनको मैंने गमले क्यों बना दिए लेकिन वो अलग बात है लेकिन मीनाक्षी सुंदरम से मैंने ज्यादा कुछ पाया नहीं ये पाया नहीं। कि उनके संपर्क में क्योंकि उधर शांता राव से दोस्ती थी बहुत तो शांता जी को यहाँ लाई थी तो उनके पास बैठ के उनसे बात बात करते रहते थे लेकिन एक ही संदर्भ में उसका याद करूं या जिक्र करवाऊँ तो प्रश्न में बहुत पुष्टि थी ऐसी अज्ञानता से मूर्खता से तो बहुत मन का ये कैसे होता है ये कैसे होता है फिर इसका आपके अडो और सबका क्योंकि संस्कार तो वो तत्कारों का था जी। और ताल का तो वो तो रग रग में ऐसा तो इसलिए कि अच्छा ये बताइए तीस्रम जाति क्या है और चतुर्ष्रम जाति क्या है और फिर अडो कैसे बनते हैं और तो एक दिन वो मुझसे बोले और वो सब बहुत मार्मिक बातें हैं इतना हो गया कि वो मुझे अपने शिष्यों के बारे में राम बो एक दिन हंस के बोले कि तुम भी तो वैसे ही आती हो ना जो लोग यहाँ से तीन महीने सीख के चले जाते हैं तो कुछ नहीं सीख मनका जी मैं आपसे शिष्य बनने के लिए नहीं आई हूँ मन तो क्योंकि आपके पति इतना बिल्कुल शिषि की तरह वो एक लाल लंगोटी के साथ लेटे हुए होते थे बैठ जाती थी और जो भी मुझे थोड़ी बहुत चोटी फोटी तमिल में एक दिन बहुत रुष्ट होके बोले रुष्ट भी और प्यार से भी बहुत ये लोग हैं इनके विषय में ये भारतीय संस्कृति है क्या कहा उन्होंने मुझसे और ये शायद मैंने उसमें गुरुओं में लिखा भी है शायद मैं एक समुद्र के किनारे बैठा हूँ और उसकी जो लहरें आती हैं उसको मैं देखता रहता हूँ कभी एक बहुत भारी लहर आ जाती है और वो मुझे भिगो देती है तो मुझे शिक्षा तो भरतनाट्यम मुझे और सब मुझे नहीं पता क्या बात है कितनी सुंदर बात और उसके बाद उनका और तुम तुम खाली प्रश्न करती रहती हो तुम मेरे पास आओ दस साल रहो तुम भी उस समुद्र को देखती रहो और जिस दिन वो बड़ी लहर मुझ पर आएगी तो शायद तुम्हें एक मिल ही जाए। जी से रही है। अभी मैंने नाम खुला जा रहा हूँ बड़ी उसने मेरा ध्यान उसने कहा कि भरतनाट्यम उन्होंने भी थोड़ा सीखा या उसमें उतरी तो उन्होंने कहा भरतनाट्यम करते हुए जो भाव आते हैं वो कहीं और से मैंने अनुभव ही नहीं किए थे तो मुझे लगा कि एक विदेशी ये बात कह रहा है और वो भी नृत्यांगना है मतलब बेलेना है तो ये जो भाव आना है अभी आपने जैसे कहा ना तो तुरंग जो चीज याद आ गई कि उन्होंने कहा एक लहर आती है कोई बड़ी ऊंची सी और भिगो जाती है तो कुछ ऐसा शायद होता ही होगा हमारे जो नृत्य रूप है बिल्कुल और उसका प्रयाग जी आज ये कहना पड़ेगा कि वो जो लहर या भावना की बात उस भावना को अगर हम केंद्रित नहीं करें तो बाकी सब पहाड़े हैं